जैन साथियों स्वागत है आपको अपने चैनल डिफेंस पॉइंट ई आर्मी अपडेट्स में आज की वीडियो में बात करेंगे इंडियन आर्मी की एक और बड़ी वैकेंसी के बारे में आप लोगों को बता दें कि भारतीय सेना की कुछ वैकेंसी निकली हुई है कुछ फॉर्म लग रहे हैं भारतीय सेना के ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन आया है उसमें उम्र सीमा क्या मांगी गई है कौन कौन बच्चा उसके लिए एलिजिबल है इस शॉर्ट वीडियो में बताने वाले हैं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब पर लगातार वीडियोज़ आप लोग देख रहे हैं कि उम्र में हुआ बदलाव वो वाली खुशखबरी वो वाले वो सिर्फ ऐसे होते हैं अब्यूज़ के लिए आपको पहले बताया मैंने आपको बता दें कि डिफेंस पॉइंट ये चैनल ऑफिशियल चैनल है यहाँ पर काम की बात होती है फालतू का आपको लोग का टाइम वेस्ट नहीं और वहाँ पे बोले जा रहा है कि साढ़े सोलह साल से लेकर उन्नीस साल हुआ बड़ा बदलाव कौन सा बदलाव हो रहा है ये ये आपको बता दें कि इंडियन आर्मी का रूल एंड रेगुलेशन है आप लोगों को पता होना चाहिए ऑफिसर इंट्री कौन कौन सी इंट्री होती है कौन सा बदलाव हुआ है ये तो दो बारह से ये जो फॉर्म लगना स्टार्ट होते हैं ना ऑफिसर टेस्ट ट्वेंटी फाइव जिन टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है भारतीय सेना में ये हो गई यग मैन वू ये पता होना चाहिए आप लोगों को ये कौन सा बदलाव है जी मैंने आज एक वीडियो देखा जिसमें बोला गया है कि साढ़े सोलह साल से अब होगी भर्ती ये कौन सी भर्ती होगी ये पहले इंडियन आर्मी का टेक्निकल एंट्री स्कीम होती है जिसमें कॉमर्स आपको बता दें कि ऑफिसर बनते हैं जो उनके लिए होता है ये स्पेशली कोई बदलाव नहीं है ये पहले का ही सिस्टम है एप्लीकेशन इनवाइट किए जा रही है मेल कैंडिडेट्स फॉर्म को फिल कर सकते हैं बारहवीं पास होने चाहिए फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ में और ध्यान रखें उम्र देख सकते हैं ये है यहाँ पर साढ़े सोलह से लेकर उन्नीस साल के बीच में आपकी उम्र आती है ये आपको बताया जा रहा है दो जनवरी दो हज़ार तीन से और एक जनवरी दो हज़ार छः के बीच में आते हैं आप लोग तो इस फॉर्म को आप लोग फिल कर सकते हो दस बारहवीं आप पास होना चाहिए और सिक्सटी परसेंट से ऊपर मार्क्स होंगे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होगी तो आप लोग और कैंडिडेट अगर आप लोग जे मेन का एग्ज़ाम में बैठ प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी बच्चा इस फार्म के लिए एलिजिबल होगा अदरवाइज़ कोई बच्चा इस फॉर्म के लिए एलिजिबल नहीं है ये ऑफिसर की इंट्री होती है दोस्तों कुछ बेसिक ट्रेनिंग होती है आई में और आपको बता दें कि इसलिए फालतू के वीडियोस देखना ये होते हैं इनके रैंक जो जाते हैं ना लेफ्टिनेंट कर्नल वगैरह जो आपने रिपब्लिक परेड में देखे होंगे इनको सलामी वगैरह दे रहे थे जो वो होते हैं जे ये फॉर्म फिल करते हैं वो बाकी देख सकते हैं पे स्केल देख सकते हैं भारतीय सेना का कहाँ पहुँचता है अगर आप लोग कांस्टेबल से प्रमोशन में जाते हो आगे तो फ्यूचर बहुत बेनिफिट्स है मरकाम अपडेट्स करना है जानकारी देना है बाकी फैसिलिटी देख सकते हैं आपको ये डेरलेस अलाउंस किट मेंटेनेंस अलाउंस ये आप कांस्टेबल वगैरह को भी मिलते हैं इसलिए आपको बता दें कि काफ़ी बेनिफिट्स है भारतीय सेना में अलाउंस का ऑलरेडी यूनिफॉर्म अलाउंस सियाचिन अलाउंस राशन किट और काफ़ी सारे जो है सिस्टम होते हैं मरकाम अपडेट्स करना है जानकारी देना है यही फॉर्म लग रहे हैं अगर आप लोग एलिजिबल हैं तो फॉर्म को फिल करें अदरवाइज रिजेक्ट अभी क्वेश्चन है कि उम्र में बदलाव उसमें बदलाव अभी तक कोई बदलाव नहीं हुआ है अगर हुआ तो एक डेढ़ साल रिलैक्सेशन मिलेगी जब आपकी भर्ती का नोटिस आएगा उसमें ही होगा वो अगर भारतीय सेना चाहिए तो क्योंकि भारतीय कोविड के कारण हुई थी डिस्ट्रॉय बाकी आप लोग बैठ करें इंडियन आर्मी रिटर्न का कोई और वैकेंसी फॉर्म निकलेगा तो जेके स्टूडेंट डिफेंस पॉइंट चैनल आपको बता देगा ऑल द बेस्ट